वादे तो छा गए। अच्छा ये टोन इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपको लगे मैं ओरिजिनली हूं, आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। जमशेदपुर वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए, वो प्रभात खबर में इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। हिंदी भाषा का छोटा सा कवि हूँ, जो मिलता है वही छेड़ता है। कल कोलकाता एयरपोर्ट में उतर गया, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो ऑफिसर है वो पकड़ के ला, इधर आओ तुम हिंदी मीडियम वाले हो, यहाँ क्या काम है तुम्हारा। मैं कहा मतलब यहाँ सब पूरे इंग्लिश में काम चलता है। मैंने कहा हम भी हिंदी में चला लेते हैं। बोले फिर एयर होस्टेज को क्या बोलते हो। मैंने कहा हवाई सुंदरी। बोले फिर टीचर को क्या बोलते हो। मैंने कहा पढ़ाई सुंदरी। फिर नर्स को क्या बोलते हो। मैंने कहा दवाई सुंदरी। फिर मेड को क्या बोलते हो। मैंने कहा सफाई सुंदरी। मैंने कहा वाइफ को मत पूछना। बोले क्यों। मैंने कहा लड़ाई सुंदरी। सर क्या पता है अपना जमाना था गुप्ता जी, जब बच्चे पैदा होते, आजकल डायरेक्ट बाप पैदा होते। मगर तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक हीरोइन है सर, मल्लिका शेरावत, और माल खरीदती कपड़े सिलाने के लिए दर्जी के पास रुमाल लेके गए, भाई साहब मेरा सूट सिल दो। दर्जी बदमाश था, जमशेदपुर का था, आया वो थे टाटा नगर के दर्जी लोखंड वाला, में आप आएंगे गुप्ता जी हम मिलवाएंगे। इतना बदमाश, पहले तो उसने सिद्धू जी रुमाल का साइज देखा, फिर मल्लिका का साइज देखा, फिर पांच बार रुमाल का साइज देखा, छह बार मल्लिका का साइज देखा, वो धीरे से बोला बहन जी बाकी का कपड़ा बचेगा तो क्या कर। मल्लिका बोली बच्ची की निकर सिल लेना। एक बार सर मैं चला गया लखनऊ, अच्छा इस बार तो गया था मैं पटना, लखनऊ के भी ढाई घंटे लगते मुंबई से, आसमान में ढाई घंटे, मेरे आगे ए बी सी, इस बार बच्चे नहीं सर तीन महिलाएं, तीनों पूरे ढाई घंटे तक आसमान, नाखून खिसकता। मैंने कहा ये कौन सा फार्मूला, नाखून आसमान में खिसक गए तीन घंटे तक। उतरते समय पूछा बहन जी इससे क्या होता है। बोले बाबा रामदेव जी ने बोले इससे बाल घने होते हैं, लंबे होते हैं, काले होते हैं। उनके पीछे एक महिला ढाई घंटे से मुंह ढांक के सोती रही हो वहां से। मैंने कहा बहन जी उतरो लखनऊ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा बहन जी आपको बाल घने नहीं करना है, लंबे नहीं करना है, काले नहीं करना है, आप नाखून नहीं घिसती। बोले बेटा छह महीने घिसी मूछ निकल आई। बच्चों को प्रणाम करता हूँ, बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये बच्चों को क्या बताऊँ, मैंने एक बच्चे को बोला बेटा पहाड़े आते हैं, हाँ टेबल, बोले एट का टेबल आता है। मैंने कहा सुना दे हिंदी मीडियम का था, आठे का माठ पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एट मंजर एट पढ़ते हैं बच्चे। उसने हिंदी में सुनाया बुद्ध, मुझे दो या तीन लाइन समझ में आई, उसके बाद मेरे समझ में नहीं आया, हो सकता है आपके समझ में आ जाए। ऐसा हाथ बांधा और रिदम में सुनाया, आटे कमाट आठ दूनी सोलह, आठ दिया चौबीस, आठ चौके यं यं, आठ पंचे यं यं, आठ छक्के यं यं, आठ सत्ते यं यं, आठ अठे यं यं, आठ मस्सी। ये किस टाइप का पहाड़ा है, आठ या चौबीस तक तो ठीक ठीक आया, ये यं यं ये क्या है। बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुनपुरी आज। जिंदगी की पहली नौकरी मैंने टीचर की ज्वाइन की, और सब बच्चों को पढ़ाने जाना पड़ता है, तो प्राइमरी के बच्चे थे सर, सबका नाम परिचय लिया, अपना परिचय दिया, और पहला ही दिन था सर, दो शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखा, ऊपर लिखा सत्य और नीचे लिखा भ्रम। मैं कहा कोई बच्चा खड़े हो सत्य और भ्रम में अंतर बताओ।
एक बच्चा पहले दिन खड़ा हुआ, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, हम पढ़ा रहे हैं आपका भ्रम है। जहां चलो वहां से हंसी। मैं दूसरी क्लास में गया सिद्धू जी, फिर दो शब्द लिखा ब्लैक बोर्ड पे, ऊपर लिखा दुर्घटना और नीचे लिखा दुर्भाग्य। मैंने कोई बच्चा खड़े हो दुर्घटना और दुर्भाग्य में अंतर बताओ। इस बार फिर एक बच्चा खड़ा हो, बोले सर आप पढ़ा रहे हैं इतने में ये छत गिर जाए तो ये दुर्घटना। मैंने कहा शाबाश ओ बेटा दुर्भाग्य। बोले आप फिर भी जिंदा बच्चा हो तुम्हारा दुर्भाग्य। मास्टर साहब बोले तीसरी पढ़ाओ ये बहुत शरीफ बच्चे। मैं दसर आप भी साथ में आ, ये शराफत दिखाता हूँ। वो सामने चेयर में बैठ गए। मैंने बच्चे से पूछा आठ और आठ कितना होता है? आप जानते हैं एट प्लस एट सिक्सटीन है ना बच्चा, आठ और आठ सोलह। वो बच्चा खड़ा हुआ फौरन बोलता है बीस। मास्टर साहब खुश में नीचे उतर के गए, बच्चे की पीठ हो गई, शाबाश बेटा तूने स्कूल की इज्जत रख लिया। मैंने कहा सर क्षमा करना आठ आठ सोलह होते हैं, ये बीस कह रहा है फिर भी पीठ हो रहा है। बोले एहसान भाई कल तो चौबीस कह रहा है, अभी धीरे धीरे सुधर रहा हाँ, ये रोज दो काम करता है, एक दिन ये सोलह पे ही आएगा। हौसला बढ़ाओ, इसकी हौसला उठाई करो, इसका उत्साह वर्धन करो। मैं काफी मर गया, चौथी क्लास में डरते डरते गया। मैं पूरी क्लास में कोई बेवकूफ बच्चा हो तो खड़े हो जाओ, कोई नहीं था इतने समझदार। पांच बार बोला अच्छे से समझ लो, कोई बेवकूफ हो तो खड़े हो जाओ। सबसे कोने में कॉर्नर में बैठा एक बच्चा खड़ा हुआ। मैंने कहा शाबाश बेटा आप मानते हो क्लास के सबसे बेवकूफ बच्चे हो। बच्चा बोला सर ऐसी बात नहीं है, आप अकेले खड़े थे तो अच्छा नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस निर्देश अनुसार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि हम लोग जब भी नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका सभी वीडियो का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम लोग नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उस वीडियो का लुत्फ़ आप उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।